हेलो फ्रेंड्स, आज लिमिट्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कम इम्पोर्टेंट है वैसे तो, आज सच कहूँ तो, लेकिन है तो आता है, क्योंकि एक बार बस मुझे लगता है कि लास्ट 10 ईयर्स में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है IIT में। ठीक है, तो करना तो जरूरी है ना। चलो देखते हैं, RHL और LHL समझते हैं। बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। LHL, RHL, वो मैंने शायद जब लिमिट शुरू हुई थी, शायद नहीं, फिर से कंफर्म, जब लिमिट शुरू करी थी तभी मैंने बताया था कि RHL और LHL का मतलब क्या है। ठीक है, फिर से एक बार लिमिट को रिवाइंड कर लेते हैं कि लिमिट मतलब क्या। मान लो कि कोई एक फंक्शन है इस तरह से, उसको हम अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि एक्स बराबर 1 पर। ठीक है, कोई इसकी वैल्यू कुछ fx कुछ है, fx = 3, व्हाटएवर। ठीक है, बात समझे ना, एक्स बराबर 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो कुछ 2 है, ऐसा सोच लो। ठीक, अब मैं इसको अगर यहां से ना लेफ्ट से, यानी कि 1 माइनस 1 से कम, 1 माइनस 1 से कम पर, यहां से अगर मैं इसको अप्रोच करूं, तब भी मेरा आंसर लगभग कितना आना चाहिए, बोलो, 2 के लगभग आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बोलो जल्दी से, 2 के लगभग आना चाहिए कि नहीं। ओके, अगर मैं इसको राइट साइड से, इधर से, यानी कि 1 से ज्यादा वैल्यू से, इसको मैं लिखता हूं 1 प्लस, यहां से इसको अप्रोच करूं, यहां से बिल्कुल छोटे से, तब भी मेरा आंसर लगभग किसके रहना चाहिए, 2 के आसपास रहना चाहिए कि नहीं, बोलो, तब भी मेरा आंसर किसके आसपास रहना चाहिए, 2 के आसपास। तब मैं कहूंगा कि हाँ, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, कि हाँ ये ऐसा कुछ है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। देख रहा है ना कि भाई 1 प्लस से करा तब भी लगभग 2 के बराबर है, 1 माइनस हमने लेफ्ट से करा तब भी लगभग 2 के करीब आंसर है। तो इसका मतलब ये कुछ है, इसकी कुछ वैल्यू है x बराबर 1 पर, बात समझे कि नहीं, यानी कि इस फंक्शन की x बराबर 1 पर कुछ वैल्यू है। अच्छा, सपोज देयर इज एनी अदर फंक्शन लाइक दिस, ये इस तरह का कोई फंक्शन है, यहां से डिसकंटीन्यूअस है, ये सपोज मैं x बराबर 1 पर इसको अप्रोच करना चाह रहा हूं, कहां जा रहा हूं मैं, x बराबर 1 पर। ठीक है, तो उसके लिए मैंने तरीका लगाया RHL, पहले मैंने उसको राइट साइड से अप्रोच करा, कहां से अप्रोच करा, राइट साइड से, तो राइट साइड में यहां तक मैं पहुंच पाया और यहां पे मैंने वैल्यू निकाली 4, कितनी वैल्यू निकाली, चलो 3। ठीक है, अब मैं लेफ्ट साइड से इसको अप्रोच कर रहा हूं, तो लेफ्ट साइड तक मैं कहां तक अप्रोच करता हूं, यहीं तक जा सकता हूं ना, क्योंकि यहां तो है नहीं कुछ, तो यहां वैल्यू आई मान लो 2, तो यार 2 और 3 में तो जमीन आसमान का अंतर है, ये दोनों बिल्कुल भी लगभग बराबर नहीं है, इसलिए मैं क्या कहूंगा कि यार ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ही नहीं, x बराबर 1 तो कुछ है ही नहीं भाई, राइट साइड से देखा तो मिला 3, लेफ्ट साइड से गए तो मिला कितना 2, तो इसका मतलब 1 पे कुछ है नहीं, कहां 2 कहां 3, बात समझे ना। यहां पर मैंने देखा कि जब मैंने राइट साइड से इसको अप्रोच किया 1 की तरफ को, तब मैंने देखा कि मेरा आंसर लगभग 2 के आसपास आ रहा है, 2.1 आ रहा है, जब मैंने इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच किया मतलब 1 से कम वैल्यू पर, तब मैंने देखा कि मेरा आंसर 1.99 यानी कि 2 के अप्रॉक्स आ रहा है, बात समझे कि नहीं। लेकिन यहां पर जब मैंने देखा कि राइट साइड में 3 आ रहा है, लेफ्ट में गया तो मैं 2 आ रहा है, तो 2-3 में तो कोई मतलब ही नहीं बनता लगभग होने का, तो इसलिए मैंने क्या बोला है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करती है कि जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो, तब हम बोलेंगे भैया लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्लियर है कहानी। और कब एग्जिस्ट नहीं करती, जब ये बराबर ना हो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तब हमारी लिमिट बराबर नहीं होती, यानी कि एग्जिस्ट नहीं करती, क्लियर है, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती यार, देखो कहां 3 कहां 2, बात समझ आई ना। ओके, चलो उसको समझो और फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब हमारी लेफ्ट साइड से अप्रोच करने पर वैल्यू और राइट साइड से अप्रोच करने पर वैल्यू लगभग बराबर आए। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है बहुत ही छोटा डिफरेंस है, इनके 1 प्लस, मतलब 1 में हल्का सा कुछ प्लस किया गया है, हल्का सा 0.0001 टाइप का, ऐसे 1 माइनस का मतलब क्या, 1 में से हल्का सा कुछ घटा गया है। ठीक है, अब समझते हैं कि काम कैसे करेगा, ये काम कैसे करता है। देखो, मान लो कि मेरे पास कोई एक फंक्शन है fx और मैं चाह रहा हूं कि लिमिट x टेंड्स टू कुछ 1 है ना, और मैं चाह रहा हूं उसको चेक करना कि 1 पे फंक्शन एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, तो क्या करूं, मैं एक छोटा सा नंबर लूं h, वेयर h इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर, यानी कि डिफरेंशियल नंबर, वेरी वेरी स्मॉल नंबर, 0.0001 टाइप का। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, 1 माइनस, मतलब 1 में से हल्का सा घटाना है, वो हल्का सा क्या है, h, तो मैंने लिखा लिमिट h tends to 0, मतलब h जो नंबर है मैंने पहले कह दिया, that is very very small number, obviously it is tending towards 0, h tends to 0, f 1 minus h, 1 में से हल्का सा h घटा दिया, फिर से वही बात, मुझे यहां पे 1 पे चेक करना था, तो मैंने 1 में से हल्का सा 0.01 घटा करके चेक करना शुरू करा, बात समझे ना, तो मेरी f 1 minus h, ये 1 है, ये 1 minus h है, इस पर वैल्यू लगभग मेरी किसके बराबर आनी चाहिए, fx के बराबर आनी चाहिए कि नहीं चाहिए, बात समझे ना। ओके, ये कहलाती है बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, RHL को मैं क्या लिखूं, अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0, कहां से अप्रोच कर रहे हैं इसको, ये x बराबर 1 को, राइट साइड से, मतलब 1 से हल्की सी बड़ी वैल्यू पे,
वन से हल्की सी बड़ी वैल्यू पे, यानी वन प्लस एच, जो मेरा लगभग अगर बराबर आ गया तो मैं कह दूंगा भैया लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर मेरा इक्वल नहीं आया, जमीन आसमान का अंतर आया, तो कह देंगे भैया लिमिट ये एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ है नहीं कोई ठिकाना, यहाँ नाला है नाला, ठीक है समझ में आई बात। तो लिमिट कैसे निकालेंगे, इस तरह से, बहुत ही आसान है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है। देखो कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, सबसे पहले मैं एडवांस में आया वो क्वेश्चन लेता हूँ, पहले ही नंबर पर गोले वाली। देखो इसने पूछा कि इवेल्युएट करो लिमिट, एडवांस मींस तो नहीं था होगा तब, 1998 में कुछ नहीं था, तो मतलब आईआईटी में हुआ है, जेई में हुआ है। ओके, लिमिट एक्स टेंस टू वन, इवेल्युएट करना है इसको ना, अंडर रूट वन माइनस कॉस टू एक्स माइनस वन, कॉस टू एक्स माइनस वन इस तरह से है, पता नहीं टू बाहर है, टू बाहर ही है, इस तरह से cos 2x माइनस वन अपॉन 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 x माइनस वन अपॉन x माइनस, इसको इवेल्यूएट करना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। सर इसमें क्या है, बहुत सिंपल है, चलो करके देखते हैं, सिंपल है। तो लिमिट x टेंस टू वन, फॉर्मूला लगाओ वन काटने वाला, वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन, याद आ गया, आना ही चाहिए, अपॉन x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक। अच्छा ये क्या हुआ, वन से कटा वन, लिमिट x टेंस टू वन टू अंडर रूट टू। अच्छा अब ध्यान से यहां बात समझना, ये फंक्शन क्या है, साइन x माइनस वन का होल स्क्वायर लग रहा है, क्या लग रहा है, साइन x माइनस वन का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान से मेरी बात को यहां समझना, ये फंक्शन क्या है, साइन x माइनस वन का क्या लग रहा है, होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आने वाली है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। देख रहे हैं ना, स्क्वायर लगा तो इसकी वैल्यू हमेशा कैसी आने वाली है, पॉजिटिव, और हमेशा पॉजिटिव है तो क्या लगा देंगे, मॉडुलस, ये बात समझो, अपॉन एक्स माइनस वन, क्लियर हुई बात, करिए जल्दी से बताओ यार, ये फंक्शन क्या है ना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन है, और इसकी वैल्यू हमेशा कैसे आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है यार, पॉजिटिव आने वाली तो क्या लगा देंगे, मॉडुलस लगा दिया, क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, क्लियर ना कहानी। ओके अब यहां से हम चेक करेंगे, मॉडुलस फंक्शन है तो क्या है, लिमिट हमें चेक करनी पड़ेगी कि वैलिड है, ये एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, क्योंकि इसमें आप एक ऑप्शन जरूर मिलेगा कि डज इट एग्जिस्ट और नॉट, ये एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, चलो देखते हैं। तो पहले एलएचएल निकालते हैं, एलएचएल याद हो गया क्या है, लिमिट वन पे टेंस के, तो वन से हल्की सी कम वैल्यू, और वो हल्की सी कम है जीरो, मतलब एच, क्या लगाएंगे, एफ वन माइनस एच, याद आया, चलो मतलब जहां भी एक्स जीरो एफ वन माइनस एच रखो, अब एक आगे ये रहा, अंडर रूट टू मॉडुलस साइन एक्स की जगह पर सिर्फ क्या रखना है, वन माइनस एच, और ये रहा माइनस वन, और उसका भी क्या लगा, मॉडुलस डिवाइडेड बाय वन माइनस एच माइनस वन। ओके जी, अंडर रूट टू बाहर, लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन से कटा वन क्या बचा, मॉडुलस साइन माइनस एच विच इज साइन प्लस एच, मॉडुलस लगा हुआ है, वन से वन कटा नीचे कितना बचा, माइनस एच, तो ये माइनस भी बाहर, माइनस रूट टू, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच इज वन, तो आंसर कितना है, LHL का माइनस रूट, मतलब जब उसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो आंसर कितना है मेरा, माइनस रूट टू, क्लियर है, एक्स इज इक्वल टू वन पर, समझना जरा ध्यान से। अच्छा अब मैं इसको राइट साइड से अगर अप्रोच करूं तो राइट साइड से यहां पे लिख दूं RHL, अगर ये भी इसी के बराबर आ गया लगभग तो बात बन जाएगी, लिमिट एच टेंस टू जीरो RHL मतलब वन से हल्की सी बड़ी वैल्यू, एफ वन प्लस एच रखो, लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन में x की जगह पर क्या रख देंगे, वन प्लस एच, कहां गए रूट टू मॉडुलस साइन वन प्लस एच माइनस वन, ये तो है सर, अपॉन वन प्लस एच माइनस वन, वन से वन कटा, वन से वन कटा कितना आया बाहर रूट टू, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h अपॉन h, साइन एच अपॉन एच, तो वन हो गया, आंसर कितना है रूट टू, ये आया माइनस रूट टू, ये आया प्लस रूट टू, कोई मतलब ही नहीं रहा, कोई तालमेल ही नहीं है, तो यहां से मैं क्या मिला, एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कि एक्स बराबर वन पर यहां इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, बात समझ आई कि नहीं, एक्स बराबर वन पर इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी इस फंक्शन की, क्लियर होगी बात, समझ में आ गई कहानी। ओके तो ये आईआईटी में आया क्वेश्चन है, नोट कर लो उसको, बिटा दे, तू ही मेरी है सारी जमीन, तुझ पे ही आके रुकूं। अब कुछ फर्जी क्वेश्चन, फर्जी नहीं मतलब ठीक है, ये भी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, लिमिट x टेंस टू वन,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब जानते हो ना, ठीक है, तो इसके आसपास का जो छोटा इंटीजर होता है वो लेते हैं, 1.1 ना हम ग्रेटेस्ट लेंगे छोटा है, 1.1 मतलब 1, 1.9 मतलब 1, याद आया ना इससे छोटा वाला, अच्छा इसमें सारा जरा -1.2 -1 गलत है क्यों, -1.2 से छोटा -1 थोड़ी है, 2 है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है ना माइनस वाले नंबर में, कहीं गलत हो जाओ, -1.9 क्या लिखोगे, -1 के 2 -2, क्लियर है ना, छोटा छोटा 1.1 से छोटा 1, 1.9 छोटा 1, 1.2 छोटा -2, 1.9 छोटा -2, क्लियर है ना कहानी, तो थोड़ा ध्यान रखना, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वेयर द कैपिटल ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसे लिखा हुआ आएगा। अब देखो यार इसमें तो इवेल्युएट करना थोड़ा मुश्किल से काम लग रहा है, और ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं, रख दो वैल्यू, लिमिट एक्स टेंस टू 1, अरे छोड़ो ना ऐसे रख दो, साइन इनवर्स 1, ऐसा लिख दिया साइन इनवर्स 1। अब बताओ साइन इनवर्स 1 की वैल्यू बताओ, पाई बाय टू बोलो, पाई की वैल्यू को 3.14 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड मारो 2 1 जा 2 ऐसे कुछ 1.57, तो बताओ इसका आंसर क्या आ गया 1, सही है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.57 का आंसर क्या आ गया 1, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, अगला देखते हैं। अरे बोलो समझ में आ गया होगा ना यार, ठीक है, ऐसे ही एक साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस शायद लिखा है, हाँ यस 0 प्लस लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स अपॉन एक्स, इसके अंदर 0 प्लस का मतलब पता लग गया होगा कि यार 0 पे निकालने के लिए राइट साइड से अप्रोच करना है, 0 प्लस समथिंग, यानी कि 0 प्लस एच, ओके चलो चेक करते हैं, तो इसको चेक करो तो क्या आया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस साइन 0 प्लस एच अपॉन, या एस लिख दूं मैं यहां पे, एच टेंस टू 0 और अपॉन 0 प्लस एच, ठीक है, तो ये क्या बना मेरे पास, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच, साइन एच अपॉन एच, यार 0 प्लस 0 से ज्यादा वैल्यू से अप्रोच करो, इसका आंसर कितना आने वाला 1, है ना, 0 से ज्यादा वैल्यू यहां पर रखो, हल्की से ज्यादा ना, 0 से हल्की से ज्यादा, तो इसका आंसर साइन एच अपॉन एच तो 1 होता है, लेकिन 0 से हल्की ज्यादा के लिए फॉर 0 प्लस साइन एच अपॉन एच इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1, साइन एच अपॉन एच इज गोइंग टू बी, जीरो से हल्की ज्यादा रखनी है मेरे भाई, एग्जैक्ट जीरो नहीं रखनी, एग्जैक्ट जीरो रखते हो तो साइन एच अपॉन एच 1 आता है, बट उसने क्या बोला कि हल्की से जीरो से ज्यादा रखनी है, तो ये जो साइन एच अपॉन एच है हल्का सा ग्रेटर देन 1 आने वाला, हल्का सा ग्रेटर देन 1 आने वाला, ठीक है, और हल्का सा अगर ग्रेटर देन 1 आया, सपोज करो 1.1 भी आया, तब भी इसका आंसर क्या लिखने वाले हम 1, क्योंकि क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्लियर ना, ये क्या चीज है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हल्का सा इसका ज्यादा आंसर भी आएगा 1 से, तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्लियर है, अच्छा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां से होता है कि अगर एक्स टेंस टू 0 माइनस हो और तब साइन एक्स अपॉन एक्स हो, तो यार इसका मतलब तो क्लियर हुआ ना कि साइन एक्स अपॉन एक्स 0 माइनस मतलब 0 से हल्का सा कम, तो साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स टेंस टू 0 पे एग्जैक्टली 0 पे 1 होता है, और 0 से माइनस यानी 0 से हल्की सी कम वैल्यू पे थोड़ा सा हल्का सा कम होगा 1 से, जैसे यहां देखो ना यार 0 प्लस पे हल्का सा 1 से ज्यादा था, 0 माइनस पे हल्का सा 1 से कम होगा, हल्का सा 1 से कम होगा तो कितना आंसर आएगा, मतलब जैसे मान लो 0.9 है तब भी आंसर कितना आएगा 0 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, बात समझ आई ना, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 हल्का सा 0 से 1 से कम आएगा 0.9 0.8 व्हाटएवर, तो आंसर कितना आने वाला 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्लियर है, बोलो क्लियर है कि नहीं, जल्दी बढ़े आगे, ठीक है और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। हाँ टेन इनवर्स एक्स एक्स टेंस टू इंफिनिटी, टेन इनवर्स एक्स एक्स टेंस टू इंफिनिटी, ये भी बताइए दो, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी टेन इनवर्स एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, ठीक है, तो फिर से वैल्यू रख दो, टेन इनवर्स इंफिनिटी दैट इज पाई बाय टू एंड दैट इज ऑब्वियसली 1.57 अभी निकाला था, 1 आ गया, फिर से कोई टेंशन नहीं है इसमें, तो सिंपल सी बात है, ग्रेटेस्ट इंटीजर से घबराना मत, है ना, घबराने की इसमें आवश्यकता नहीं है, हाँ बस इतना ही था। अच्छा एक x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी वाला भी देख लो, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी वही माइनस का, तब हमारे पता है क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई टू आ जाएगा, और क्या
टेन इनवर्स माइनस पाई बाई टू इज माइनस इनफिनिटी, तो आंसर कितना आ गया माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू मतलब माइनस 1.57, तो आंसर बताओ क्या, वन लिखोगे टू माइनस टू, यहाँ कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, हल्का सा छोटा, तो माइनस 1.57 से छोटा टू होता है ना कि वन, क्लियर है, छोटी छोटी बातें, ओके एक और देख लेते चलो, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस साइन साइन इनवर्स एक्स, वन माइनस साइन साइन इनवर्स एक्स, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर बंद है, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और ये रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर बंद, वन है तो आंसर बताओ कितना है, साइन साइन इनवर्स साइन साइन कैंसिल फॉर एक्स टेंडिंग टू माइनस वन से वन, है ना भाई, एक्स की वैल्यू माइनस वन से अगर वन के बीच में होगी तो साइन साइन कैंसिल हो जाता है, बताया मैं तो पता है कि x की रेंज क्या होनी चाहिए, तभी तो ये कैंसिल होगी मामला, तो क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस मतलब 1 से हल्का सा कम, कितना आंसर बचा x, क्लियर है ना, 1 से हल्का सा कम x बचा, अब देखो 1 से हल्का सा कम रख दो ना, 1 माइनस एच कुछ भी रख दो, तो बताओ कितना आंसर आने वाला 0, अभी तो क्या 1 से हल्का सा कम मतलब 0.9 रखोगे कितना आएगा 0, 0.8 रखोगे कितना आंसर आएगा 0, क्लियर है ना, 1 से हल्का सा कम 1 माइनस उसने बोला, ठीक है ये मैं बताया कि x की वैल्यू 1 माइनस 1 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करनी चाहिए, क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल सिंपल बात चल रही है, इसलिए जल्दी जल्दी बढ़ा रहा हूँ ये चीजें।